वेलकम बैक टू अनदर। दोस्तों मैंने जहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मार्केट के अपडेट्स के बारे में। दो मेरे पास काफ़ी मेजर अपडेट है। इसके साथ साथ दोस्तों अगस्त का महीना और सितंबर का महीना कैसा रहता है विद प्रूफ मैं आपको रिसेंट का डाटा दिखाने वाला हूँ। आज ही नहीं बल्कि स्टार्टिंग से बिटकॉइन की 2011 से मैं डाटा दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये मंथ और सितंबर का मंथ जो आने वाला मंथ है वो कैसा हमारा जाने वाला है। उसके बाद अक्टूबर भी कैसा रहने वाला वो भी मैं मेंशन करने वाला हूँ। चार्ट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, चार्ट के थ्रू समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब तो बनती है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज्वाइन कीजिएगा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा। यहाँ पर बाइंग कॉल सेलिंग कॉल अभी जो डंप आया था ना उसके अंदर हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को बाय किया था और मैं यहाँ पर शेयर किया हूँ। जी हाँ दोस्तों खुद अपना बाइंग स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है देख सकते हो भैया। ऑनडो को मैंने बाय किया, मैंने LAI को बाय किया, प्लानेट को, मारिया को, अल्टीवर्स, मेंटा, आर्बिट्रम, मीम कॉइन, अल्ट लेयर, इन सभी प्रोजेक्ट को मैंने ग्रैब किया है, बाय किया, एक्युमुलेट किया है। थोड़ा ही आज़ाद है, मैंने अपने हिसाब से एक्युमुलेट किया, मैंने आप सबसे शेयर भी किया है ताकि आपके पास भी जो भी फंड हो बड़ा या छोटा आप भी एक्युमुलेट ऑन टाइम करें और क्विक प्रॉफिट भी मिला है। और आई थिंक ऑनडो के अंदर हाफ एंड डॉलर पे हमने बाय किया और 0.7271 सेंट्स पे आज भी अभी भी ट्रेड कर रहा है। सो दैट ये क्विक प्रॉफिट जो था काफ़ी कमाल का था। जहाँ तो लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चन भी रेज किया इसके बाद कि भाई सब गोलमाल है। इसके बाद एक भाई पूछ रहे कि क्या ये जो है ना बॉटम लग गया है क्या, अब नेक्स्ट तो यहाँ से पंप ही होगा ना। तो ये सवाल जो है ना मैं देखा हूँ तो मैं भाई बोला कि नहीं यार ये चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। कुछ हमारे भाई जो है अंकु जी कुछ कॉइन भी शेयर किए हैं लाइक दैट मारिया है, RB है, जुपिटर है, मेंटा है, पाइथ है, तो ये सब अच्छा कॉइन है। बाइको GRT इन्होंने बाय कर रखा है तो ये सब अच्छे कॉइन है। आप बाय तो कियो लेकिन होल्ड करो, पेशेंस रखो, ठीक है अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें से मिल जाएगा। हमारे शेखर भाई जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर जी IO.NET और अल्टीवर्स में कौन सा ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। देखो दोस्तों शेखर जी आपके लिए IO.NET कम रिस्की प्रोजेक्ट है, हालांकि नया है लेकिन रिस्की कम है, GPU बेस्ड वो प्रोजेक्ट है, ठीक है GPU माइनिंग वगैरह सबका उसके अंदर वर्क है। अल्टीवर्स क्या है वो एक गेमिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बिना मतलब रिस्क फ्री करना चाहते हो ना तो जो भी फंड लगाना चाहते हो उसको आप 60% और 40% कर सकते हो। 40% आप अल्टीवर्स के अंदर डाल दो, 60% IO.NET के अंदर डाल दो। कैटेगरी दोनों का अलग है लेकिन क्या पता दोनों में से कोई प्रोजेक्ट कहीं अच्छा अल्टीवर्स में भी, देखो यार कम है ठीक है, मार्केट कैप कम है, रिस्की ज्यादा है लेकिन रिटर्न देने का चांस भी बहुत ज्यादा है। मैं खुद भी अल्टीवर्स को बहुत ज्यादा ही बाय कर रखा हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो हालांकि ये भाई अभिषेक जी ने पूछा 100x पॉसिबल हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है ना। तो दोनों के अंदर आप रिस्क फ्री रहो, दोनों के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप भी रिस्क फ्री रहो। बायबिट के ऊपर दोनों ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नहीं अगर आपने अकाउंट बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर भी है, जाइए जुड़िए हमारे साथ। ध्यान दोस्तों कुछ मेरा भी फायदा हो जाएगा आपकी वजह से। ध्यान दोस्तों और अपना साइनअप कीजिए, KYC कीजिए और प्रोजेक्ट जो है बाय कीजिए। मैं काफी सारे प्रोजेक्ट यहीं से बाय करता हूँ, आप सबसे शेयर भी करता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपडेट की तरफ चलेंगे तो भैया बिटकॉइन का जो ये मंथ है ना अगस्त का मंथ, इसको कहा गया है घोस्ट मंथ। या दोस्तों और स्टार्टिंग भी 20% लगभग ड्रॉप से हुआ है, 30% लगभग हुआ था है ना, जो कि काफ़ी तगड़ा यहाँ पर ड्रॉप था। और आई थिंक अगर हम देखें तो 2024 का सबसे बड़ा ड्रॉप ये था। इसको जो है घोस्ट मंथ क्यों कहा गया, इसके पीछे का रीजन हमारे एशिया से जुड़ा हुआ है। जी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉट इज अ घोस्ट मंथ, तो ये दिस ईयर द घोस्ट मंथ इज अगस्त से लेकर सितंबर तक का कहा गया। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर घोस्ट मंथ इज टेक्निकली द 7th मंथ ऑफ द ईयर और अराउंड अगस्त ऑफ द इनटू अर्ली सितंबर। दिस पीरियड एसोसिएटेड विद द लक इन एशिया कल्चर एंड हिस्टोरिकली बिटकॉइन हैज डोमिनेटेड नेगेटिव रिटर्न ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ये चीज़ हिस्ट्री में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, और इसे एशिया कल्चर के हिसाब से चाइनीज लूनर कैलेंडर के हिसाब से इस मंथ को और सितंबर का फर्स्ट वीक को जो है घोस्ट मंथ कहा गया है, जहां पर से ना कुछ भी हो सकता है। और ये रियलिटी है एक तरह से, कहीं ना कहीं साबित हुआ है क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हुई है और आप देख सकते हो मंथ स्टार्ट होते ही जो ना बड़ा झटका लगा है। और हालांकि ये अपॉर्चुनिटी की तरह भी हमारे जैसे लोग रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी ही कहेंगे क्योंकि हमने अल्टकॉइन के अंदर जो बियर मार्केट में एंट्री नहीं बना पाया ढंग से, वो एंट्री अभी उस प्राइस के ऊपर उस प्राइस से नीचे हमें मिला है। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है ना, फास्ट रिटर्न भी मिल गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो अगर हम न्यूज की बात करें तो भैया एक और हैकिंग हुआ है।
डीफाई प्रोटोकॉल जो है नेक्सेरा है उसके अंदर जो दोस्तों हैकिंग हुआ है 1.5 मिलियन जो है कैसे हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है एक्सप्लॉइट हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है यहाँ पर हैकिंग हुई है, जो कि काफ़ी मतलब अगर हम देखें तो दुखी न्यूज़ है, बिकॉज ऑफ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम वेब थ्री के अंदर है, हम चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पर ये हैकिंग वगैरह का न्यूज़ आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी जो है ना फिर इसको थोड़ा सा दिक्कत में ही मानते हैं ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट मैं सोचा ये न्यूज़ आपको दे दूँ, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं न्यूज़ मार्केट के अंदर हुआ। आप देख सकते हो BTC भाई कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है, बवाल कर रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हो ये चार्ट मैंने कल शेयर किया और ये चार्ट भाई हमारा ऑलरेडी पहले से ड्रॉ है, आप देख ही सकते हो। मेरा जाके देखो सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पर भी फिर से सपोर्ट, विग नीचे तक गया, विग काफ़ी नीचे तक गया, विग $49,000 तक गया। अगर मैं डंप की बात करूँ तो ऐसा मैं डंप दिखाना चाहूँगा, एक सिंगल कैंडल अगर हम देखें तो सिंगल कैंडल भाई लगभग अभी देखो यार लगभग 20% का डंप है, लगभग है ना 20% लगभग डंप है वन डे के अंदर 16-17%। लेकिन ये जो डंप है अगर यहाँ से हम नीचे करते हैं तो एक बड़ा डंप था यार, ये बहुत ही बड़ा डंप था, 24-25% का ये बड़ा डंप था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप से अगर हम देखेंगे तो 30% का ऑब्वियसली डंप है, लेकिन काफ़ी बड़ा डंप था और एक तरह से हेल्दी डंप भी कह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वही है कि वेट करवा करवा के हुआ है और ये सडन डंप सीधा नीचे नीचे आया, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिला है अल्ट के अंदर बाय करने का और अभी काफ़ी अच्छा पंप भी कर रहा है। एक रेजिस्टेंस माइनर है 59,295 के अराउंड, अगर वो ब्रेक करता है तो आपको 60,800 के अराउंड BTC जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा नज़र रखिएगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें ना तो ये है BTC का हिस्ट्री, यस तो आप गौर से इसको देखना, मैं अगस्त मंथ में लेके चलूंगा, ये अगस्त का पूरा चार्ट है, नीचे से चलते हैं। 2011 में अगस्त माइनस में था, ठीक है, 2012 में प्लस आया, 2013 में जब बुल रन था इसका फर्स्ट ओवर कह सकते हो 27% से पंप था, ठीक है, उसके बाद 2014-2015 में जो है बिल्कुल माइनस में था, 2016 तीन मंथ ऐसा ये पहली बार BTC के साथ हुआ था, 2014-2015-2016 जो लगातार 3 अगस्त जो है माइनस में था, बुल रन 2017 में था 63% से पंप था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आया बियर मार्केट 2018-2019 में माइनस में था, लेकिन 2020 में थोड़ा सा बाउंस आया 2-2.5% से पंप था और 2021 के अंदर जो बुल रन जो था दोस्तों वहां पर 14% से पंप था। मेरी बात समझ लो, ये चीज़ें हिस्ट्री में जो है ये चीज़ें जो तीन बार जो अगस्त के अंदर माइनस, ये पहली बार होता हुआ, दूसरी बार होता हुआ आ रहा, पहली बार 2014-15-16 में हुआ था और अब जो है 2022 के अंदर माइनस 14%, 2023 के अंदर माइनस 11%, 2024 के अंदर माइनस 11% से स्टार्ट हुआ, पूरा मंथ बचा हुआ है लेकिन मुझे लग रहा है कि माइनस के साथ ही खत्म होगा। अगर ऐसा होता है तो भैया 2017 का बुल रन देखो यार, काफ़ी बड़ा बुल रन था, कहीं ना कहीं 2021 के मुकाबले काफ़ी बड़ा 63% का पंप था, तो ऐसा ही बड़ा एक मेगा पंप यहाँ पर इस मंथ में आई थिंक अगले ईयर जो है अगस्त के मंथ में मिल सकता है बुल रन के टाइम में, जान दोस्तों। लेकिन गौर करने वाली ये तो अगस्त का होगा, गौर करने वाली बात है कि सितंबर कैसा लगता है, तो भैया सितंबर अगस्त से भी बुरा हाल रहता है। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री बोल रही है BTC की कि भाई 2011 के अंदर 44% ड्रॉप था, 2012 के अंदर 13% पंप था, लेकिन 2013-2014 फिर से ड्रॉप 1% और 19%, 2015-2.5% पंप था, 2016-6% पंप था, लेकिन फिर बुल रन के अंदर 2017 के अंदर जो बुल रन चल रहा था वहां पर भी 7% से ड्रॉप था, उसके बाद कभी ये उठ खड़ा नहीं हुआ। 2017 से लेके 2017-18-19-20-21 में जब बुल रन था तब भी भाई 2022 तक ड्रॉप ही था भैया, ड्रॉप ही था सितंबर का, लगातार 1-2-3-4-5-6 महीना तक माइनस में ही चला है हर साल का सितंबर, सिर्फ 2023 के अंदर 4% से पंप था। तो कहीं ना कहीं देखो यार ये चीज़ें होगा, मैं आपको पहले बोला ना अगस्त सितंबर, लेकिन यहीं पे अक्टूबर, अब देखो यार अक्टूबर में आपको क्या माइनस दिख रहा है, सिर्फ 2011 में 35%, उसके बाद 9%, 2013 में 53%, 2014 में -12%, उसके बाद देखो यार फिर तीन साल का तीन बार जो है यहाँ पर जो है अक्टूबर में तीन साल लगातार जो है प्लस में ही रहा है, फिर 2018 में माइनस रहा, उसके बाद फिर प्लस में ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का मंथ एक अच्छा बुलिश मंथ रहने वाला है हम सभी के लिए रहने वाला है और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जो है बुल रन की एक शुरुआत हो सकती है और अच्छा पंप हम सबको मिल सकता है। तो अगस्त और सितंबर अभी आपको झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर डंपिंग वंपिंग आपको झेलना पड़ेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है यार, आपको डीट होल्डर बन के खड़े रहना है और बेबी डॉज को रिकमेंड किया कर दो, क्योंकि ये एक नेक्स्ट 100x जैम हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे को कुछ बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला, हालांकि मुझे लग रहा है वीडियो शेयर करेगा, बेबी डॉज किड्स
नाम करके जो है एक नया यूट्यूब चैनल आया है और वहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें शेयर होती है। हालांकि मुझे लग रहा है बच्चों को कुछ वगैरह बच्चों वाली वीडियो यहाँ पर शेयर होगी, लेकिन कुछ कर रहा बेबी डॉज कॉइन, फ़ायदा उठा रहा कहीं ना कहीं अपने जो है अगर हम देखें तो कम्युनिटी का, कि सबको एक साथ जोड़ रहा हर एक जगह यूट्यूब से लेके हर एक जगह जहाँ दोस्तों। और इसका जो है टास्क भी हमें जो है टेलीग्राम गेम के अंदर मिल सकता है। कल जो है 0.8 टाइम्स के बाद 100 के अराउंड था, अभी 105 के अराउंड आ चुका है, थोड़ा सा पंप आया है, लेकिन आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो 150 मिलियन के आसपास। अभी इसका जो है अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप है तो अच्छा खासा यहाँ पर जो 20 मिलियन के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है इससे और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 20 मिलियन जा सकता है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है यहाँ, तो मेरा जो मानना है। बाकी इसके ऊपर आप अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। बाकी भैया वीडियो को नहीं लाइक किए हैं लाइक करके, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए मेक श्योर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। जान तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज की तरह आए, गुड बाय।